Hi students, today we are going to learn about the story of their ugly duckling means बदसूरत duckling के बारे में हम लोग उस स्टोरी को पढ़ेंगे. First of all, try to understand here. Mother duck looked at her three eggs. जो तीन अंडे की माँ थी वो अपने अंडे को देख रही थी. One egg moved और एक अंडा जो हुआ हिलने लगा. Then there was a sound crack. जब एक अंडा हिला उसमें तीनों अंडे में से तो उसमें से एक कुछ टूटने की आवाज़ आई. Out popped a teeny yellow duckling और उस अंडे से बाहर एक पीले कलर का डकलिंग बाहर आया. काफ़ी खूबसूरत डकलिंग जो पीले कलर का था वो अंडे से बाहर आया. My first duckling. Mother duck clapped her wing. जो उसकी मम्मी थी अंडे की मम्मी थी वो उसने अपनी पंख को फहराया हिलाया और बोली कि this is my first duckling. ये मेरा first duckling है. Another eggs move. और तुरंत बाद ही दूसरा अंडा क्या हुआ हिलना शुरू हुआ. ठीक है. Then there was a sound. एक क्रैक आउट और वहाँ पे एक तरह का साउंड आने लगा जिस तरह टूटने का आवाज़ आने लगा अंडे से. आउट पॉप्ड ए टीनी येलो डकली और दूसरा जो दूसरे अंडे से डकलिंग आया वो भी एक पीले कलर का खूबसूरत डकलिंग था. माय सेकेंड डकलिंग. मदर डक क्लैप्ड हर विंग्स और दूसरी डकलिंग को पीले कलर का काफ़ी खूबसूरत डकलिंग को देखकर मम्मी जो हुई काफ़ी खुश हुई. द लास्ट एग. जो तीनों एग में से जो तीनों अंडे से उसमें से दो बच्चे निकल चुके थे दो डकलिंग निकल चुके थे. अब सिर्फ एक ही अंडा बाकी था टूटना जिसमें से बच्चे आने के लिए वेट कर रही थी उसकी मम्मी. द लास्ट एग हैजंट क्रैक. उसकी जो मदर डकलिंग थी वो वेट कर रही थी कि लास्ट एग कब क्रैक हो या कब उसे बच्चा है जो डकलिंग बाहर आए. बट वाई इट इज सो बिग एंड ग्रे. द बिग ग्रे एग्स मूव देन देर वॉज ए लाउड साउंड और वो अंडा क्या था ग्रे कलर का था और थोड़ी देर बाद ही ग्रे कलर क्या हुआ अंडा वो मूव करने लगा हिलने डुलने लगा. देन देर वॉज ए लाउड साउंड और वहाँ पर काफ़ी जोर से साउंड आया उस अंडे से. क्रैक का साउंड उस अंडे से काफ़ी तेज आया. आउट पॉप्ड ए बिग ग्रे डकलिंग मदर. आउट पॉप्ड ए बिग एक बड़ा सा ग्रे कलर का डकलिंग उससे बाहर आया उस अंडे से. मदर डक एंड टू लिटिल डकलिंग लुक्ड एट हिम क्लोजली और अंडे की मम्मी और जो दो अंडे से बच्चे निकले थे डकलिंग निकले थे वो क्या कर रहे थे उस ग्रे कलर के डकलिंग को देख रहे थे काफ़ी नज़दीक आके. दे कॉल्ड हिम अगली डकलिंग. वे उसे क्या बुलाने लगे अगली डकलिंग मीन्स बदसूरत डकलिंग उसे बुलाने लगे क्योंकि उसका जो कलर था ग्रे कलर का था वो काफ़ी यूनिक कलर था और इन सब के डकलिंग का क्या था येलो कलर था पीले कलर का था और जो तीसरा नंबर का डकलिंग था वो ग्रे कलर का था. द अगली डकलिंग वॉन्टेड टू प्ले विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. जो काफ़ी बदसूरत डकलिंग था वो क्या करना चाहता था अपने भाई और बहन के साथ खेलना चाहता था. ही इज सो बिग आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ हिम और उसके ब्रदर और सिस्टर कहने लगे कि वो काफ़ी बड़ा है और हम उसके साथ नहीं खेलना चाहते हैं. ही ग्रियो डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ हिम इज ग्रे डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ हिम और वो ग्रे कलर का था इसीलिए उसके साथ वो लोग खेलना नहीं चाहते थे. मनी डेज पास्ट काफ़ी दिन गुजर गए. द डकलिंग ग्रू बिग जब डकलिंग काफ़ी बड़ा हो गया. बट देयर ब्राइट येलो फेदर हैज डल और जो उसका ब्राइट कलर का जो पंख थी वो क्या हो गया काफ़ी बुरा लग रहा था काफ़ी डल बड़ा हो गया था. वन डे एक दिन द डक्स साय ब्यूटीफुल बर्ड. वो क्या हुआ डक
एक ब्यूटीफुल बर्ड को आसमान में देखा और उसने पूछा, हु आर यू? आई एम योर ब्रदर। और उसने पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोला, आई एम योर ब्रदर द अगली डकलिंग। मैं तुम्हारा भाई हूँ अगली डकलिंग। यू आर नॉट एन अगली डकलिंग। वह जो आसमान में था वह बोल रहा था कि तुम अगली यानी बदसूरत डकलिंग नहीं हो। यू आर ए ब्यूटीफुल सॉन। तुम एक ब्यूटीफुल सॉन हो, काफ़ी खूबसूरत सॉन हो। ठीक है, दैट्स वाई यू लुक डिफरेंट। सो इसलिए आप क्या कर रहे दिख रहे हो, डिफरेंट दिख रहे हो, लोगों से अलग दिख रहे हो। व्हेन यू वर बोर्न, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, ए ग्रुप ऑफ स्वान फ्लू अवे अबव। और एक ग्रुप ऑफ स्वान, जब मतलब जो ग्रुप ऑफ स्वान क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर से गुजर रहे थे। द अगली डकलिंग वॉज नाउ ए ब्यूटीफुल स्वान। जो बुरा बदसूरत डकलिंग था वो अब क्या हुआ, काफ़ी खूबसूरत स्वान हो गया था, बड़ा पंछी हो गया था। स्वान मीन्स सारस हो गया था। ओके, हंस। ही फ्लू अवे एंड ज्वाइन द अदर स्वान। और वो डकलिंग बेसिकली दूसरे हंस के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, उनसे मिल गया और वो काफ़ी दूर उड़ गया उनके साथ, क्योंकि वो एक तरह का बड़ा सा हंस था, वो डकलिंग नहीं था। ओके, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।